रिवर्स कॉलेज में है और जहाँ पर 5 तारीख को मॉर्निंग 8 o'clock से 9 तारीख को रात को 12 बजे तक लगातार एक यहाँ पर एक व्याख्यान माला होने वाली है जिसे मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ और ये बिजनेस का अब तक का सबसे लंबा व्याख्यान होने जा रहा है। इसके पहले जो रिकॉर्ड बना है वो 73 आवर का है और उसे ब्रेक करने के लिए हमें टारगेट मिला है 75। लेकिन क्या रहता है, रिकॉर्ड कंपनी कहती है कि आप 75 पे रुके मत, मैक्सिमम जितना लेकर जा सकते उतना लेकर जाइएगा। तो हम लोग जो है ये अचीवर्स कॉलेज के अंदर लगभग 80 को क्रॉस करके 100 तक जाने की संभावना है। क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, हाँ। आप पहले इंसान बन रहे हैं, हाँ हाँ। रिकॉर्ड को लेके क्या भावना है आपकी? ये रिकॉर्ड तो बना है, बस अब उसको ब्रेक करने के ये सौभाग्य हमें मिला है कि महाराष्ट्र जैसे जो पावन भूमि है, महाराष्ट्र की पावन भूमि, संतों की भूमि पर ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है और भी कल्याण जैसे ऐतिहासिक नगर में ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है अचीवर्स कॉलेज के अंदर ये रिकॉर्ड बन रहा है। यहाँ के सारे विद्यार्थी है, यहाँ का प्रशासन जो है, कॉलेज का प्रशासन है, स्टाफ जो है, ये सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कल्याण के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये अभी हम ज़्यादा अभी तक इसको बात फैला नहीं रहे, ये आपका पहला चैनल है जो इसको कवर कर रहा है। ये विषय अलग है, हाँ। ये संकल्पना कैसे आई कि इसी विषय पे आपको रिकॉर्ड बनाना है? 2017 से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एम पैनल फैकल्टी हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कोई भी जाता है बिजनेस सीखने के लिए तो उसका पहला दिन जो रहता है उसे मैं वहाँ पर व्याख्यान देता हूँ। उसे कहते हैं MCED, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। तो जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा ऐसा लगता था कि ये बिजनेस के ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड बन सकता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं तमाम जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, जब आप रिकॉर्ड बनाने जाते हैं ना तो उस फील्ड में रिकॉर्ड बनाइए जिस फील्ड में आप पारंगत हो या जिसमें आपका प्रोफेशनल है। तो ये मेरा प्रोफेशनल ही रहा है, 2017 से मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ। लेकिन वो जो था वो 1.5 से 2 घंटे का था, उससे ज़्यादा हमने कभी बात नहीं किया। ये पहली बार है कि लगातार दिन, यानी एक बार जो माइक हाथ में होगा तो डायरेक्ट पूरा होने पर ही वो उसको हम रख देंगे। इस रिकॉर्ड की कैसी रूपरेखा रहेगी, किस तरह से ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा और कैसे आप चाहेंगे इस रिकॉर्ड के लिए? इसके लिए तो मैं हमारे जो प्रोफेसर हमारे यादव सर हैं, राजेश यादव सर हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पर कॉलेज की तरफ से भी है, उन्हें अपॉइंट किया गया, ऑफिशियली अपॉइंट किया गया कि वो साथ में रहेंगे। मैं तो हाथ में माइक ले लूँगा 5 दिसंबर को 8 बजे, सवेरे 8 बजे माइक मेरे हाथ में आ जाएगा, जहाँ पर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आज हर देश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे बात कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस मेथोलॉजी, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बिजनेस के इनसाइड आउटसाइड क्या होते हैं, बिजनेस के जो छोटे छोटे ABCD जो है, ये व्याख्यान में सुनने को मिलेगा। कहीं पर भी आप बोर नहीं होंगे, हमारा कोई भी विद्यार्थी बोर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्टिविटी है, PPT है, और जो मेरा इतने सालों का जो अध्ययन रहा है, क्योंकि मैं खुद कंपनी चलाता हूँ तो मेरे भी कंपनी के कुछ अनुभव जो है मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। कितने घंटों का रहेगा ये जो सेशन है? टोटल 80 क्रॉस करके, हमने 80 बोला है लेकिन मन में जो रखा है, जो विश्वास है मन में, वो 100 घंटों का है। 100 घंटों का, हाँ, 100 आवर्स का। ओके, क्या लगता दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कंटिन्यूस पूरा 24 आवर्स आप, हाँ, ये कंटिन्यूसली, हाँ, करने वाले, हाँ, हैं। जिसमें ब्रेक मिलेगा हमें, हाँ। 3 घंटे में 15 मिनट का ब्रेक है, लेकिन हम वो एक साथ बाद में ले लेंगे, कंटिन्यूस पहले बोल देंगे, जैसे 21 घंटा बोलने के बाद 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, ऐसा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की तरफ से क्या टर्म एंड कंडीशन आपको? बहुत कठिन है, यानी ऐसा है कि देखिए, ये जो है ये इंटरनेशनल लंदन की कंपनी है, जो हमें 3 दिन पहले इनका हमारे पास वो लेटर आया हुआ है, और बहुत कठिन है क्योंकि ये एक भागीरथी काम है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। शासन प्रशासन की ओर से कुछ आपके? हाँ, स्कूल प्रशासन शासन की तरफ से तो नहीं, मैं क्योंकि हम वहाँ तक गए नहीं अभी तक, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से बहुत हमें हेल्प मिल रहा है। ये जो अचीवर्स कॉलेज है कल्याण में, रामबाग में, जहाँ पे हमें सपोर्ट मिला है, यहाँ पे क्लासरूम मिला है, PPT मिला है, प्रोजेक्टर मिला है, माइक मिला है, और वहाँ की तरफ से हमें स्टाफ, और सबसे बड़ी बात है इनके होनहार स्टूडेंट हमारे साथ में कॉलेज के राजेश, अच्छा, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस ये जो रिकॉर्ड बनाने का यही लक्ष्य है। अब तक मेरा 20 रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम गया हुआ है, कई रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ अलग अलग देशों में जाकर। ये जो रिकॉर्ड है बनाने का यही मकसद है, हमारा जो युवा है ना, वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है, उसका माइंड कहीं ना कहीं है, बहुत टैलेंट, यानी भारत भूमि जो है ना, 85% यहाँ पर युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है, लेकिन यही होता है, सवेरे उठ के पहले मोबाइल ढूंढते हैं और मोबाइल में अलग अलग ऐप्स में वो अटके रहते हैं कि यहाँ पर क्या करें। तो उनके लिए एक प्रेरणा होगी कि ऐसे भी है कि बिना मोबाइल के कोई दिन रात करके ऐसे कोई
संकल्प लेके आगे बढ़ सकता है। ये रिकॉर्ड बने नहीं बने वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम प्रयास करते रहे और हमारे देश का हर युवा ऐसा कुछ न कुछ कर सकता है। कॉलेज की तरफ से यादव जी, राजेश यादव जी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके कॉलेज में से एक हुनर थी, कुछ चीज यहाँ पे घटित हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो अचीवर्स कॉलेज के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अचीवर्स कॉलेज में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। बहुत पिछले कई सालों से दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग इनको हर संभव कोशिश मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सी ए महेश भिवंडीकर सर, ट्रस्टी सी ए गौरांग भिवंडीकर सर, दोनों ही वाइस प्रिंसिपल सोफिया डिसूजा मैडम, सना खान मैडम, ये सब लोगों ने सर को आश्वासन दिया है कि ये रिकॉर्ड कायम करने में हमारा पूरा कॉलेज का जो हर एक बच्चा है टॉप टू बॉटम सब लोग सबको सहकार्य करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये 100 घंटे का कायम हो सके। किस तरह का आपका सपोर्ट सर को रहेगा, गुप्ता जी को रहेगा? सर को हम लोग दो तीन तरीकों से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम लोग सर को स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी दूसरा है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के बहुत सारे बीच में लोग आते हैं जाते हैं, पूरा मेंटेन करना, फिर वो मतलब कि ए टू जेड जितनी भी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो सब छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम लोग सर को मदद दे रहे हैं। कॉलेज के बच्चों को क्या कहेंगे, जैसे ये खुद एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये, तो बच्चों को इस विषय को लेके कैसे प्रोत्साहित करेंगे? मैं इतना ही अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कह सकता हूँ कि बोलते ना गंगा जो है वो बहते हुए हमारे अचीवर्स कॉलेज तक आई है, तो हम सब लोग को नहा लेना चाहिए कि हमको कहीं जाना नहीं है, आपको अचीवर्स कॉलेज के ही जगह पे 100 घंटे का लेक्चर अटेंड करने का, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक पे, सौभाग्य मिल रहा है ये, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसका सबको बेनिफिट लेना चाहिए और अपने आप को भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए। इस तरह मैं तो सभी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गिनीज की तरफ से जो आया हुआ है ये स्टूडेंट, मैनेजमेंट के स्टूडेंट एज वेल एज जो बिजनेस कर रहे हैं, भले उनका छोटा सा ही बिजनेस है, कोई पान का भी अगर दुकान है तो वो भी इसको अटेंड कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ऑफिशियली अटेंड कर सकता है कि उनके पास बिजनेस है, अगर वो बिजनेस का अपना आई कार्ड या कहीं गुमस्ता लाइसेंस लेकर आते हैं तो उनके लिए भी एंट्री है। बाकी देखने के लिए तो हर कोई आ सकता है, लेकिन अटेंड करने के लिए कंडीशन ये है कि वो कम से कम उनका बिजनेस होना चाहिए। आपका अनुभव और आपका विश्वास क्या कहता है? हाँ, अनुभव और विश्वास ये कहता है कि 80 घंटे तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि मैं जब पहले काम करता था कंपनी में तो हम लोग दो दो तीन तीन दिन तक काम करते थे, और हमारे घर में जब शादी होती है, जब तो बहन की शादी होती है भाई की, तो ये पता नहीं एनर्जी कहाँ से आती है और लोग लगे रहते हैं, तो शायद ये ऊपर वाले की एनर्जी है। हम तो जागने का, मैं तो रोज 1.5 से 2 घंटा सो रहा हूँ, ये हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं तो उन्हीं से प्रेरणा मिली कि वो 3 से 4 घंटे रोज सोते हैं। जो रिकॉर्ड आप करने जा रहे हैं उससे युवाओं को क्या इसका फायदा होगा? हाँ, युवाओं को ये फायदा होगा कि जब वो बोलेंगे ना हम कल्याण की नगरी से हैं, हम वो उस नगरी से जहाँ पर एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी ने नाम दर्ज कराया था, तो कल्याण की पहचान हो जाएगी। और फिर भी ये संकल्प लेना ही, क्योंकि सचिन ने जब 200 रन बनाया ना, वो 200 रन बनाने में कई साल गुजर गए, लेकिन जैसे 200 रन बन गए उसके बाद आप देखेंगे धपाधप वो आगे जो है ना उसके रिकॉर्ड खुद लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्हीं के सहकार्य लोगों ने, क्योंकि एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया। ऐसे ही जब बोला जाता था कि इंसान जो है 1 किलोमीटर ऐसा भाग नहीं सकता, पहले बोला जाता था कि इतने देर में भाग नहीं सकता, लेकिन उसी का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते आज हम लोग बोल्ट, हुसैन बोल्ट को हम देख रहे हैं कि वो जिसको फायर बोला जाता है, फायर की तरह भागता है। लेकिन एक बार बस लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है और हम चाहते हैं रिकॉर्ड टूटे। बहुत बहुत बधाई आपको और आपको शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, युवा स्तंभ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना दूर यहाँ तक आए, और कॉलेज के इस पहले चैनल है जिन्होंने इसको, अभी बहुत सारे चैनल आएंगे लेकिन ये चैनल, हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। इस तरह से